तो दोस्तों मेरा जो तरीका होगा सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। देख सकते हैं आप लोग इस पे ये इंडिकेट भी क्या हुआ है, ये देखिए है ना, पल्सर 180 राइट हैंड साइड। अब मुझे इसका प्रॉपर एंगल मिल जाएगा दोस्तों पेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ, आप दोनों का लुक देख सकते हो, ये देखिए है ना, और इसका लुक भी देख सकते हो आप, ये देखिए बिल्कुल। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल थिंग टेक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है पल्सर 180 के फ्लैप कवर, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग इस पे ये इंडिकेट भी क्या हुआ है, ये देखिए है ना, पल्सर 180 राइट हैंड साइड, और ये दूसरा वाला है पल्सर 180 लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसको मैंने किया क्या है, एक्चुअली इस पे ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा निशान है और कुछ स्क्रैचेस वगैरह थे इस पे, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया इस तरह से, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे हैं। ओके, तो इसको मैंने क्या किया है, मैंने इस सैंड पेपर की हेल्प से, ये है 320 का सैंड पेपर दोस्तों, ये देखिए 320 का सेंचुरी लैक्शे पेपर है, जो भी है लेटेक्स पेपर, तो इससे मैंने थोड़ा सा फाड़ लिया इसको, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाटरप्रूफ है दोस्तों। ओके, और पहले इसको मैंने रब कर लिया है, रब करने के बाद जब ये थोड़ा डस्टी दिखाई देने लगा तो मैंने इसको पानी में डुबो करके ही, पानी के अंदर ही मैंने इसको रब कर लिया है। ओके, और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया है, देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं इसके ऊपर करूँगा इस पेंट का यूज़, देख सकते हैं आप लोग क्यों। ओके, ये मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि इस पेंट का रिज़ल्ट अच्छा है। ओके, तो अब मैं इस पर करने वाला हूँ इस पेंट को, तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके दोस्तों, मैंने एक स्टैंड बनाया है। ओके, अब मैं इस स्टैंड पे इसको लगा लूँगा ताकि मुझे पेंट करने में आसानी हो और इसको मुझे कहीं छूना ना पड़े। तो इस हॉल में देखिए, मैं ये बोर्ड इस तरह से लगा करके इस तरीके से इसको लगा लूँगा। अब मुझे इसका प्रॉपर एंगल मिल जाएगा दोस्तों पेंट करने के लिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं, अभी कहीं हिलेगा नहीं, आप इसको हम पेंट कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से। तो पेंट का प्रोसेस मैं शुरू करता हूँ। पहले मैंने पेंट के लिए आपको बताया कि मैं इस वाले पेंट का यूज़ कर रहा हूँ, क्यूब नाम से है ये, एरोसोल का। ओके, और इसको थोड़ा सा पहले सेक कर लेंगे। तो शुरू करता हूँ दोस्तों, मैं अपना पेंट करता हूँ। ओके, थोड़ी देर सूखने देते हैं दोस्तों, उसके बाद में दूसरा कोट भी मार लेंगे इसको। तो दोस्तों एक कोट हम इस पर मार चुके हैं। ओके, बोलते हैं एक कोट कर चुके हैं, अब हम करते हैं इस पर दूसरा कोट। ओके, तो इसको खोल लेते हैं, ये देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, और उससे पहले हम इसको अच्छे से पहले सेक कर लेते हैं। चलिए इसको सेक कर लेते हैं एक फुट की दूरी से। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो चलिए अब हम इस पर तीसरा कोट भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपना साया और दूर से भी लेंगे हम इसको। Thank you.
ये हो गया हमारा फाइनल कोट। इसको प्रॉपर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। फाइनल दोस्तों लुक देख सकते हैं आप लोग, इसके सूखने के बाद का आप लुक देख सकते हैं। और इसका जो दूसरा पैनल है वो पहले कुछ आप दोनों का लुक देख सकते हो, ये देखिए है ना। और इसका लुक भी देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल शीशे सी चमक आ गई है इसमें, और ये बिल्कुल रफ टाइप है। ओके दोस्तों फाइनली लुक देख सकते हैं आप लोग, ये अभी हमने पेंट नहीं किया इसको। ओके और ये पेंट कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं है ना। ये देखिए ग्लोसी शाइन आया इसमें, और ये अभी रबेड है तो रफ सा लुक है इसका थोड़ा सा। ओके तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए और इसको देख लीजिए, ये अभी मैंने पेंट नहीं किया हुआ है, तो इसको अब हम सेम यही प्रोसेस इस पर भी अप्लाई करेंगे। ओके और इसको सूखने के लिए धर देंगे। तो दोस्तों फाइनली दोनों को पेंट करने के बाद में कुछ ये लुक आया है, आप देख सकते हैं। ये पल्सर 180 का ही है, ये देखिए है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इंडिकेट किया हुआ है पल्सर 180 RH साइड, और ये दूसरा वाला भी पल्सर 180 LH साइड। ओके आप देख सकते हैं, तो दोनों को मैंने पेंट कर लिया है, और पेंट करने के बाद में कुछ ऐसा लुक आया है दोस्तों। ओके ये देखिए ग्लॉसी साइन है, और अच्छा लुक आ गया है, परफेक्ट बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों जब भी कभी यूज़ करें तो ये वाला ही यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट अच्छा है और ये चीज़ भी अच्छी है। ओके तो इसलिए मैं आपको, अगर आपको कुछ किसी चीज़ को अपने किसी पार्ट को पेंट करना हो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आता है, और ये लंबे समय तक टिकता भी है। ओके और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, अगर ये आप ऑफलाइन अपनी मार्केट से ख़रीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 रुपये का आपको मिलेगा, या 90 रुपये में आपको मिल जाएगा। ओके तो ये बेस्ट है, ये क्यूब का अच्छी चीज़ है, एक्रेलिक लैक्योर करके है, और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बाकी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। ओके ये देखिए क्या रिज़ल्ट है इसका। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।